ओके तो जी हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से कई बार लॉन्ग राइड पे नहीं जा सकते, वीकेंड राइड पे नहीं जा सकते, तो सोचा कि कुछ इश्यूज आते हैं जो 100 सीसी बाइक में, जो 100 सीसी बाइक वाले कुछ बाइकर्स होते हैं जिनके पास में 100 सीसी बाइक होती है और वो लॉन्ग रूट पे लेके जाना चाहते हैं उसको। तो जैसे स्पीति हो गया, लद्दाख हो गया, तो काफ़ी सारी परेशानियाँ भी आती हैं। तो ऐसे ही कुछ परेशानियाँ मैं बताऊंगा, मैंने कहीं से सुनी नहीं है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। काफ़ी सारी ऑन टेप हैं जैसे यूट्यूब पे वगैरह पे हैं, और काफ़ी सारी ऐसी भी हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं हैं। तो गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये। तो सबसे पहली दिक्कत आपको आती है वो है लैक ऑफ पावर वाली। तो गाइज 100 सीसी की बाइक है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी 97 सीसी के करीब की इसकी पावर रेशो होती है। पे हिली स्टेशन वगैरह पे तो आप जाएंगे ज़रूर। तो स्पीति में, लद्दाख में क्या होता है कि जब आप बाइक को खड़ी चढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको सेकंड थर्ड गियर में चलाना पड़ता है। कई कई ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट गियर में ही डाल कर रखना पड़ेगा। और गाइस 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 जिसका जॉब है या प्राइवेट बिजनेस है, तो उसमें होता क्या है कि आपको जो टाइमलाइन बना रखी होती है, आपका शेड्यूल होता है, तो उससे आप कुछ पीछे रह जाते हैं। जी हाँ, आप सोच के तो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, बट वो हो जाते हैं कुछ कुछ दिन। तो कई बार होता है कि आप ट्रैफिक जाम में फंस गए, जैसे शिमला मनाली ऐसी जगह पे ट्रैफिक जाम लग सकता है कई बारी, या फिर नीचे आप वैसे एरिया में आएंगे तब भी, तो आपकी स्पीड उतनी मेंटेन नहीं हो पाती है क्योंकि बाइक की सीसी कम है, तो आप उसको पूरी तरीके से 90-100 से ऊपर तो खींच ही नहीं सकते, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बाइक वही है 85-90 ऐसी ही जाती है 100 सीसी बाइक। तो ये एक इशू हो सकता है आपके लिए। तो बेटर है कि जब भी आप लॉन्ग राइड पे जाए तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखना चाहिए आपको। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट इशू के बारे में। वो होता है, हम एक ही इशू बताते हैं इसको कि ग्रिपिंग वाला और ब्रेक्स वाला, तो टायर एंड ब्रेक्स। तो ब्रेक की पहले बात करते हैं। ब्रेक्स ऑलमोस्ट ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे आपको 100 सीसी बाइक में, डिस्क वगैरह तो मिलेंगे नहीं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार आप जब डिस्क को, सॉरी ब्रेक, ड्रम ब्रेक को आप खींच के लगाते हैं तो उसके जो लेदर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं, और वो चिपकने के बाद वापस से हटते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी बाइक जैम हो जाती है उसी टाइम पे। सडनली ब्रेक लगाया, वहीं पे जैम, और ऐसे में क्या होगा आपको पता है, और क्या पता आप किस टर्न पे हो। तो ये एक इशू रहता है वही 100 सीसी बाइक में। उसके अलावा आपको संभाल के चलानी पड़ेगी, और रेनी सीजन हो और आप हिल स्टेशन पे या लॉन्ग राइड पे कहीं पे भी जा रहे हो, अगर पानी वगैरह ब्रेक में लग गया तब तो आपके लग गए, वो थोड़ा जल्दी आपको इफेक्ट डालता है, वो सडनली रुक जाता है। तो ये एक इशू है बाइकिंग का। और दूसरी चीज़ होती है जो कि है टायर। तो एक तो ट्यूबलेस टायर नहीं आते 100 सीसी में, सबसे पहली बड़ी ये दिक्कत होती है। अगर वैसे आप एडजस्टमेंट करो तो फिर कई बार उसकी हवा भी वगैरह भी लीक रहती है, तो जो टायर है वो उसकी ग्रिप भी कम होती है क्योंकि वो पतला टायर होता है कंपेयर टू 150 अबव सीसी। तो ऐसे में पतला टायर है तो वो ट्रैक्शन भी कम करता है, तो वो फिसलने का, स्किड करने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है उसका। तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं जो कि आपके हाथ में है ब्रेकिंग के लिए, तो आपको पानी वगैरह से जितना अब निकलते हैं, रेनी सीजन है तो संभाल के ब्रेक लगाने पड़ेंगे भाई। और दूसरी चीज़ है जो टायर वाली, तो उसके लिए आपको डर्टिंग वाले टायर अलग से आते हैं जिसमें से बर्फी सी बनी होती है उसके टायर के ऊपर, वो डिज़ाइन बर्फी वाला आता है भाई, तो वो टायर ले लो भाई अगर कहीं भी लॉन्ग राइड या हिली स्टेशन पे जा रहे हो तो। ये एक इशू हो रहता है, ये आपको ज़रूर से करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें आपकी ही सेफ्टी है। क्योंकि ऐसी कौन सी राइड इतनी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप भगवान कर ना करे अगर कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट राइड करने के लायक ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा यार। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा पैसे डालने का नहीं है तो कम से कम आपको टायर तो ज़रूर चेंज कराना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट इशू होता है जो कि होता है हीटिंग इशू। हीटिंग इशू में मतलब कि बाइक अगर खींची तो हीट अप होगी, आपको धीरे धीरे रुकते हुए जाना पड़ेगा। 100-150 किलोमीटर पे आपको ज़रूर ब्रेक लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हीट अप हो गई तो आपका इंजन भी सीज हो सकता है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। अच्छी क्या, आपका सारा ही टूर ख़राब हो जाएगा उससे। तो पता कैसे करें कि आपकी बाइक हीट हो रही है, तो हीट पता करने के लिए क्या होगा, जब आप फुल थ्रोटल दिए हुए हो और बाइक सडनली आपको ब्रेक वगैरह लगाने पड़े और डाउन गई बाइक, तो दोबारा से आप थ्रोटल खींचोगे तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि क्लच आप अगर आप दबाएंगे और अचानक से छोड़ेंगे तो बाइक ऐसी जाती है ना, वो पिकअप नहीं रहता बाइक में। तो ये भी एक मेजर इशू होता है कि,
और उससे सबसे खतरनाक चीज़ हो सकती है आपके साथ में कि आपका चलते हुए अचानक से इंजन सीज हो जाए, ठीक है, वो बंद हो सकती है और आगे आपको पता है। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं। तो बात आती है कि आपको 100 cc बाइक लेके जानी चाहिए कि नहीं लेके जानी चाहिए। अगर आपके अंदर यहाँ से है ना, कहीं पे भी जा सकते हो आप, तो 100 cc को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। बस कुछ प्रिकॉशन आपको सीखने पड़ेंगे। एक तो जो ट्यूब होती है उसमें पंचर लगता है, तो वो एक दिक्कत देगी, वो आपको पंचर लगाना आना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है जो आपकी, वो कार्बोरेटर वाली, यानी कि जब आप पहाड़ी पे चढ़ाओगे लद्दाख वगैरह में, तो थोड़ी सी खिंचके जाती है वो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्लो वायर होती है, यानी कि स्क्रू वाली सेटिंग कर देते हैं वो, तो एक अलग से तार भी लगा देते हैं जो बाद में निकाल सकते हो। तो उसे चढ़ाते टाइम पे क्या होता है कि हवा ऊपर पतली होती है, तो हवा ज़्यादा जाएगी तो उससे क्या होगा, कंबशन अच्छा होगा और उससे आपकी पावर थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आपकी बाइक इतनी दबेगी नहीं। तो 100 cc का ऊपर से आपको टायर वगैरह बदलवा लेना, ऐसा कुछ नहीं यार, कहीं पे भी जा सकते हो। इवन मैं भी आपको काफ़ी सारी राइड दिखा चुका हूँ और शायद आगे भी 100 cc पे लद्दाख या स्पीति वगैरह की, अभी जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होती है शायद बने रहिएगा भाई। जैसा भी होगा, जो भी होगा, अपडेट तो आपको यहीं पे मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करके रख लो यार, मस्त मस्त वीडियो आएंगी अब।